Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Tanazzam Tufail and you are watching my YouTube channel. And welcome to another episode of Biochemistry Lectures by Tanazzam Tufail. As you can see that in this video we are going to discuss about enterohepatic circulation of bile acids. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि enterohepatic circulation होती क्या है. अगर हम word anatomy पे गौर करें तो entero का मतलब होता है related to small intestine और hepatic का मतलब related to liver. Enterohepatic circulation, इसमें दो organs ही जो involved होंगे, एक तो liver है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, और दूसरा ये small intestine है. ठीक है, तो enterohepatic circulation की definition ये है कि the continuous secretion of bile acids from the liver through bile duct into the small intestine and their conversion into secondary bile salts and then again reabsorption of primary and secondary bile salts through the portal vein into the liver is known as enterohepatic circulation. Liver में बने, वहाँ से निकले, small intestine में गए, वहाँ से reabsorption होके again liver तक पहुँचे, तो इसको हम कहेंगे enterohepatic circulation. पहले हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जो बाइल एसिड्स हैं वो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, तो कोलेस्ट्रॉल से प्राइमरी बाइल एसिड या प्राइमरी बाइल साल्ट बन गए. कितने बने? 0.5 ग्राम पर डे. ठीक है, और इनके जब कॉन्जुगेट्स बनेंगे ग्लाइसिन और ट्यूरिन ऐड होगी तो प्राइमरी या सेकेंडरी बाइल साल्ट कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट बन गए. ठीक है, तो ये बाइल डक्ट के थ्रू किसमें आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और कितने आएंगे? 15 to 30 ग्राम बाइल साल्ट पर डे. तो ये 35 ग्राम लगभग एक दिन में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं थ्रू बाइल डक्ट. यहाँ पे आगे अगेन इसमें बाइल में दोनों होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइल साल्ट्स होते हैं. तो प्राइमरी है जो कॉन्जुगेटेड थे उनकी ग्लाइसिन और टॉरिन निकल जाती है, फिर प्राइमरी बाइल साल्ट्स सिंपल रह जाते हैं. सेकेंडरी से भी ग्लाइसिन टॉरिन निकल जाती है और सेकेंडरी बाइल साल्ट्स निकल जाते हैं. प्राइमरी बाइल साल्ट्स फिर अगेन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये सारे मिल के फिर जब ये अगेन 98 to 99% जो है ये दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है इनकी इन द टर्मिनल ईलियम. तो यहाँ से ये दोबारा पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाते हैं. कितने जाते हैं वापस रीअब्जॉर्ब होकर? 15 to 30 ग्राम बाइल साल्ट्स पर डे. तो आप देख सकते हैं जितने बाइल डक्ट से आए थे उतने ही वापस चले गए. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सक्रीशन भी कुछ की होती है. कितनी फिकल एक्सक्रीशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी बाइल साल्ट्स? कितनी है? 0.5 ग्राम पर डे. अब आप देख सकते हैं कि बॉडी में जो बाइल एसिड का पूल है जो कि नॉर्मली 3 to 5 ग्राम होता है लिवर के अंदर, वो उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं रहता, कांस्टेंट साइज में रहता है. क्यों? जितनी प्रोड्यूस हुई थी 0.5 ग्राम पर डे उतनी ही एक्सक्रीट हो गई है 0.5 ग्राम पर डे, और जितनी सेक्रीट हुई थी 30 ग्राम लगभग वही 30 ग्राम द्वारा रीअब्सॉर्ब होकर लिवर तक पहुँच गई है. तो ये एंटेरोपैटिक सर्कुलेशन चलती रहती है और अज्यूम किया जाता है कि दिन में 6 से 10 दफ़ा ये बाइल साल्ट्स की जो सर्कुलेशन है एंटेरोपेटिक सर्कुलेशन होती है. 6 से 10 दफ़ा जो आपका बाइल एसिड पूल है वो एंटेरोपेटिक सर्कुलेशन से मूव करता है. तो इसमें कुछ याद रखने वाली बातें क्या हैं कि प्रोडक्शन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल कितनी है? 0.5 ग्राम पर डे. एक्सक्रीशन कितनी है? 0.5 ग्राम पर डे. बाइल डक्ट में कितनी बाइल आ रही है? 15 to 30 ग्राम बाइल एसिड्स पर डे. और पोर्टल वेन के थ्रू वापस कितने रीअब्सॉर्ब होकर जा रहे हैं? 15 to 30 ग्राम बाइल साल्ट्स पर डे. और उसके बाद एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसे हम कहते हैं कोलीलिथियासिस. कोलीलिथियासिस का मतलब है कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन डिजीज़. इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जम के गाल ब्लैडर में स्टोन्स बना देता है जिसे हम कह देते हैं कोलीलिथियासिस. क्यों होता है कि आपको पता है लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो कि VLDL के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ में जाता है, और ये जब कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा तो साथ में बाइल भी बनाई जाती है जो बाइल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबलाइज कर देती है, उसको जमने नहीं देती, उसकी स्टोन नहीं बनने देती. ठीक है, अगर किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी बाइल साल्ट्स या बाइल एसिड की प्रोडक्शन में कोई हाल्ट आ गया, कोई अल्टरेशन आ गई और वो कम हो गए और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया तो उसको सॉल्युबलाइज नहीं किया जा सकेगा और कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? जम जाएगा और स्टोन्स बना देगा. और इस तरीके से ये इसकी कॉज होगी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है और बाइल एसिड्स कम हो जाती है जिसकी वजह से वो फ्रीज होके बना देते हैं गॉल स्टोन्स. तो इसको हम कह देते हैं कोलीलिथियासिस. और इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल रिमूवल करते हैं. किसका? इसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टमी, और आप गाल ब्लैडर को रिमूव कर देते हो तो जिसकी वजह से जिसमें स्टोन्स थे वही उतार देते हैं, तो फिर ये इसकी करेक्शन हो जाती है. नहीं तो आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो बाइल साल्ट्स की. तो ये थी एंटेरोपेटिक सर्कुलेशन. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अल्लाह ताला आपका हामी नसीर हो. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.